कुछ महीने पहले ही सलमान खान की फिल्म किक 2 के दूसरे पार्ट को लेकर निर्माताओं ने बड़ा खुलासा किया था। निर्माताओं ने फिल्म की आधिकारिक घोषणा करते हुए ऐलान किया था कि इस साल क्रिसमस के मौके पर यह फिल्म रिलीज होगी। खैर, सलमान चाहते थे कि इस फिल्म से पहले दबंग 3 रिलीज हो। इस वजह के चलते किक 2 को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जाने लगे और फिल्म की हीरोइन को लेकर भी कोई खुलासा नहीं हुआ। वहीं माना जाने लगा कि इस फिल्म के लिए जैकलीन और दिशा में रेस लगी हुई है। तो वहीं इसी बीच फिल्म की हीरोइन के लिए मनुषी छिल्लर का नाम भी सामने आया। फिलहाल तो लेटेस्ट रिपोर्ट पर गौर करें तो जैकलीन ने इस फिल्म के अंदर हीरोइन का रोल पाने के लिए मनुषी को ठेंगा दिखा दिया है। जी हाँ, सामने आ रही जानकारी के माने तो जैकलीन को सलमान के किक 2 के लिए फाइनल कर लिया गया। फिल्म से जुड़े सूत्र ने डेक्कन क्रॉनिक्स को जानकारी देते हुए कहा कि शुरू से ही ये पक्का करना चाहती थी कि उन्हें किक 2 मिले, चाहे जैसे भी मिले। जैकलीन ने साजिद नाडियावाला तक अपने नाम को रिकमेंड करने के लिए सलमान खान का सहारा लिया। खैर, जैकलीन को इस फिल्म के लिए फाइनल कर लिया गया और निर्माताओं ने इस फिल्म के लिए किसी दूसरी हीरोइन को लेने का फैसला बदल दिया। सलमान और जैकलीन स्टारर किक ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। इस फिल्म ने देश भर में 225 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। वहीं फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कुल 360 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया। फिलहाल तो कमेंट बॉक्स में आप हमें किक 2 में सलमान के साथ कौन सी जोड़ी आप देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ये बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।